सऊदी अरबिया में कोरोना संक्रमण से हुई मृत्यु मामले में मंडी के पलाही निवासी दीनानाथ की देह को अपने गांव वापस लाने के लिए परिजन उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर से मिले। इस दौरान उन्होंने दीनानाथ के पार्थिव शरीर को वापस लाने की मांग उठाई। परिजनों ने कहा कि वे दीनानाथ का अंतिम संस्कार अपने हिंदू रीति रिवाज से करना चाहते हैं। काबिले गौर है कि दीनानाथ का बेटा नीरज सेना में है और सूचना मिलने पर छुट्टी लेकर घर आ गया है और क्वारंटाइन में है। वहीं उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि वे इस मामले को व सरकार से टेक ओवर कर रहे हैं। रहने वाले हैं। मेरा नाम दमेश्वर राम जी है जी और मैं पंचायत से बिलोंग करता हूँ और ये जो है अपना बैरी मेरा घर है। क्या मामला है? हमारा ऐसा था कि हमारा भाई जो है सऊदी अरब में होता था, उसका हमें 4-5 दिन बाद एक खबर आई छोटी सी सवेरे, तो उसमें उन्होंने बोला जी आपका ब्रदर जो है, उसकी घरवाली से बोला भी आपका घरवाला जो है एक्सपायर हो गया है। तो उस हमारे को कोई उसकी पूरी खबर नहीं मिली तो बेहोश हो गई ना, उसके आगे उसके पास कोई नहीं था बंदा, तो बेहोश हो गई। तो फिर हम दौड़ के उधर आए, उसको पूछा कि ऐसा सब बोल दिया। फिर हमने उसका जो भी देखा, उसने हमारे को कोई पता सता नहीं लगा उसके बारे में, कोई उसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आ रही ढंग से। हम उसका कर रहे हैं और जैसे उस बंदे ने बोला था कि 5 दिन हो गए, उसके आधार पर हमारा अपने रीति रिवाज से जो करते हैं वो छोटा मोटा कर रहे हैं, पर लेकिन हमें पूरा इसका ये नहीं मिल रहा। आपकी मांग क्या है सरकार से? हमारी मांग है उसकी अगर कोई डेड बॉडी का या कोई अंग का कोई पता लग जाए तो, इसलिए हम बोलते थे। एक बल में कोरोना से सऊदी अरब में हुई मौत की जानकारी मिली तो परिवार को फोन आया कि आपके पति की डेथ हो गई है कोरोना से, तो वो सऊदी अरब में दीनानाथ जी वाटर टैंकर चलाया करते थे, तो वो उनके बेटे का कहना है जो कि फौज में चेन्नई में जैक राइफल में है, तो उनको उनके पिताजी ने 8 जून को फ़ोन किया कि बेटा मेरा, मैं क्वारंटाइन हूँ, सॉरी हॉस्पिटलाइज हूँ और मैं पॉजिटिव पाया गया हूँ कोरोना से, तो मेरी हालत ठीक नहीं है, तो आप घर में मत बताना तो शायद मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन सोमवार को उनकी वाइफ को सऊदी अरब से फ़ोन आता है कि उनकी डेथ हो गई है। उसको लेकर आज डेलीगेशन यहाँ मिला डीसी महोदय से और उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी माता 83 वर्षीय वृद्ध हैं, उनका ये मानना है पूरे परिवार का कि उनकी पार्थिव देह को हिमाचल में उनके गांव में लाया जाए और वहां वो अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।